नमस्कार, मैं करिश्मा सिंह और आप देख रहे हैं सीटीयू न्यूज खबरें औरंगाबाद, यानी औरंगाबाद की खबरें। तो आइए आज के हमारे इस सेगमेंट में देखिए कुछ खबरें औरंगाबाद शहर और औरंगाबाद जिले की। हम हाजिर हैं आज औरंगाबाद से जुड़ी कुछ अलग, कुछ खास, अपनापन, जमीनी और दिलचस्प खबरों के इस बुलेटिन के साथ। मौसम के मिजाज में उतार चढ़ाव जारी, तेज हवा के साथ बारिश हुई, तापमान में काफी गिरावट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मई दिवस के अवसर पर श्रमिक परिवार को उनके सुखमय एवं मंगल भविष्य की शुभकामनाएं दी। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के अवसर पर श्रम अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद के प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 18 योजनाओं का पदाधिकारी के द्वारा विस्तृत जानकारी दी गई तथा अधिक से अधिक संख्या में श्रमिकों को बोर्ड में निबंधन एवं योजनाओं के लाभ हेतु प्रेरित किया गया। औरंगाबाद जिले में मजदूर दिवस मनाया गया और एक सुर में दुनिया के मजदूर एक हो नारा भी लगा। मजदूर की परिभाषा के मुताबिक, चाहे वो सफेद कलर मजदूर हो या ब्लू कलर मजदूर हों, चाहे खेतों में काम करने वाले, भवन निर्माण में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के मजदूर हों, या विभिन्न कार्यालयों में काम करने वाले जो संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हों, ये सारे लोग मजदूर हैं, क्योंकि वे लोग अपना श्रम बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं। ओबरा महोत्सव में बिहार सरकार पर भड़के लोजपा नेता प्रमुख चिराग पासवान, बोले इस सरकार में बिहारियों के साथ हुआ है धोखा। नियोजित शिक्षकों ने किया प्रदर्शन, मई दिवस पर राजकर्मी का दर्जा देने की सरकार से मांग की। एक्शन में औरंगाबाद पुलिस, कुल गिरफ्तार कर जेल भेजे गए अभियुक्तों की संख्या 9, वाहनों में वसूली 10,000 से अधिक, कई कांडों से जुड़ी हुई जब्ती भी। मदनपुर थाना क्षेत्र के दर्जी बिघा में सड़क हादसा, 2 बाइकों की आमने सामने टक्कर में 4 जख्मी, 2 रेफर। भूमिहीन परिवारों के लिए एक अच्छी खबर, भूमिहीन को बहुमंजिला भवन बना फ्लैट देगी नप, 107 करोड़ का बजट पास। पुलिस ने की कार्रवाई, हरिहरगंज से शराब पीकर लौट रहे 4 शराबी गिरफ्तार। ऋषभ थाना क्षेत्र के नौनिया बिघा टोले के आजाद बिघा में अगलगी की घटना, चूल्हे की चिंगारी से घर में लगी आग, हजारों का सामान जलकर राख। औरंगाबाद में तेज रफ्तार बेलगाम ट्रक ने साइकिल सवार अधेड़ को रौंदा, मौके पर हुई मौत। एक्सीडेंट हुआ, हमको सूचना मिला तो हम लोग यहाँ पर आए हैं नगर थाना से। तक की पहचान तो क्या बोलता है हुई है, कौन राय है? सुपूजन राय। कहाँ के हैं? पूर्व राज्यपाल एवं विधायक ने सुनी समस्याएं, लोगों की समस्याओं को लेकर आम सभा का हुआ आयोजन। कुटुंबा प्रखंड के पथरा गांव स्थित सामुदायिक भवन में जागरूकता शिविर का आयोजन, ग्रामीणों को दी गई आरटीआई से संबंधित कई जानकारियां। विद्यार्थियों में दिखा उत्साह, 11वीं कक्षा में नामांकन के लिए स्कॉलरशिप परीक्षा में शामिल हुए 100 बच्चे। गांव की तस्वीर में आज हम आपको दिखाएंगे बरियावा गांव की कुछ खास तस्वीरें, तो आइए इसे देखते हैं कैमरे की नजर से। Thank you.
पूरा हरियाली छाई हुई रहती है। का नाम है बुधुआ बड़ियामा, ये अम्बा थाना और कुटुम्बा ब्लॉक में जो सो ये है गांव। ये मंदिर भगवान विष्णु का जो सो बहुत प्राचीन प्रतिमा है और बहुत हिस्टोरियल जो सो इनका लोग कहानी कहते हैं कि बहुत इस तरह से जो सो, लेकिन मंदिर का पूर्ण रूप से विकास अभी नहीं हुआ है। मंदिर के इतिहास है कि ये नदी में जो सो बहते हुए आए और इनको लोग यहाँ छाना, और ये कहानी भी है कि इस जगह का नदी चारों तरफ जब सो सूख जाता है। आज भी आप देखिए कि ऊपर भी सूखा हुआ है, नीचे भी सब सूखा हुआ है पानी, लेकिन इस जगह पानी जो है सो आज भी जो है सो 5 फीट पानी लगा हुआ है। भगवान भगवान विष्णु का मंदिर है, ये उनकी प्राचीन प्रतिमा है। अदनी नदी के किनारे पर जो सो ये मंदिर है। ऊपर भी सूखा है, नीचे भी सूखा है, लेकिन इस जगह पानी है। इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाजत, और हर दिन देखना ना भूलें औरंगाबाद से जुड़ा कुछ अलग कुछ खास न्यूज़ का बुलेटिन खबरें औरंगाबाद।